नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगो मिरर्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर जयगो मिरर्स का न्यूज का असर देखने को मिल रहा है और प्रशासन द्वारा जो यहां पे एसएसएमडी स्कूल के आसपास जो ड्रेनेज ब्लॉकेज था उसे क्लियर करने का कार्य आरंभ किया गया है। आप सभी के समक्ष सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। कल आप सभी के समक्ष हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से नाले ब्लॉकेज होने के वजह से किस तरह से कचरा है सड़कों पे आ गया था एसएचएमडी स्कूल के आसपास, और ड्रेनेज का जो पानी है वो एसएचएमडी स्कूल प्रांगण में भी पहुंच गया था। और ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग आज दिखाना चाहते हैं कि कल के इस दृश्य के बाद आज प्रशासन द्वारा, आज ग्राम पंचायत मेंबर द्वारा यहां पे कार्य लगाया गया है और सफाई का कार्य इस समय चल रहा है। आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाना चाहेंगे। और ये वेलकम है, शायद ये आगे ही हो जाना चाहिए था लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, यही हम लोग आशा करते हैं और यही सभी चाहते हैं कि समस्याएं जो है समस्याओं का समाधान हो। और क्योंकि बारिश का दिन फिर वापस आ रहा है, इस तरह की समस्याएं फिर से बढ़ने वाली है, लिहाजा ड्रेनेज ब्लॉकेज जो है उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की जरूरत है। अभी कार्य आरंभ हो चुका है, आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा कर रहे हैं। कार्य आरंभ हो चुका है और दृश्य हम लोग आगे भी दिखाना चाहेंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है इसी तरह से ड्रेनेज यहाँ पे लाचार अवस्था देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह का दृश्य है। और मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा इसके ऊपर उचित कार्य किया जाएगा और कार्य आज आरंभ हो चुका है। जो आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं, कार्य आरंभ हो चुका है और काफी सारी गंदगी को जो है नाले से निकाला जा रहा है, और जल्द से जल्द इसे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं, हम लोग आप सभी को बताना चाहेंगे कि कल बारिश हुआ था तब नाले ब्लॉकेज होने के वजह से एसएचएमडी के स्कूल प्रांगण में इस क्षेत्र में आपको कल हम लोग विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, नाले का पानी स्कूल कैंपस में चला आया था। और अभी फिलहाल नया सेशन शुरू शायद नहीं हुआ है, इसीलिए बच्चे शायद कम देखे जा रहे हैं, लेकिन ये वो क्षेत्र है एसएचएमडी स्कूल के आसपास। आप देखेंगे कि अन्य स्कूल्स भी मौजूद है, सेंट डोमिनिक स्कूल्स है और भी काफी सारे स्कूल मौजूद हैं। और ये समस्या है यहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉकेज होने के वजह से। आज कार्य आरंभ हो चुका है, हम लोग बात करते हैं। नमस्कार सर, आज थोड़ा सा सर, नो प्रॉब्लम, हम लोग सर से बात करना चाहेंगे, लाइव है सर, थोड़ा सा बात कर लीजिए। कोई चलते हैं, हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करना चाहेंगे। सर, कैन यू गिव मी फ्यू मिनट्स, हम लोग सीधे प्रिंसिपल सर से बात करना चाहेंगे। सर, कल में काफी बुरा अवस्था देखा गया था, स्कूल प्रांगण में ड्रेनेज का पानी चलाया था, आज कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमें ये जो कंडीशंस बारिश के बाद जो होता है ये बहुत ही शोचनीय हो जाता है। और इतनी बड़ी स्कूल हमारी है और कभी कभी हम बहुत दुखी भी हो जाते हैं और बहुत प्रयास भी हम करते हैं, लेटर भी दिए हुए हैं वीडियो साहब को, यहाँ के जो जीडीए के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ आंचल के जो अधिकारी हैं, लेकिन थोड़ी सी निराशा ही हाथ लगता है। तो आज अगर काम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें सराहनीय है, हम बधाई देना चाहेंगे जो अथॉरिटीज हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो भी हमारे वेल विशर्स हैं। सो सबको इस काम का अगर काम हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। सर, बारिश का दिन अभी आने वाला है, जस्ट अभी आरंभ हुआ है, सीजन तो अभी पूरा बाकी है, तो यहाँ ड्रेनेज का समस्या काफी देखा जाता है, तो मॉनिटर करने की जरूरत है टाइम टू टाइम। ये तो हम करते हैं, बिल्कुल बहुत बारीकी से हम लोग मॉनिटर करते हैं,
लेकिन मैं बस आग्रह मेरी यही होगी कि यहाँ की जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें कोऑपरेट करें और इसको साफ सुथरा रखने के लिए, इसको ज्यादा हाइजीनिक बनाने के लिए हमारे साथ दें। धन्यवाद सर, आपको बीच में मैंने डिस्टर्ब किया, आप मीटिंग में थे। और ये थे SHMD स्कूल के प्रिंसिपल सर, जो धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे प्रशासन को। कल आप सभी के समक्ष हम लोगों ने दृश्य साझा किया था इसी क्षेत्र का, आप देख सकते हैं कल का दृश्य कुछ और था, आज का दृश्य कुछ और है। और आशा यही करता हूँ कि बारिश हो तो कल वाला दृश्य हम लोगों को देखना ना पड़े और आपको दिखाना ना पड़े, लिहाजा इसीलिए आज प्रशासन के तरफ से कार्य किया जा रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है। आपको बता दें यहाँ पे भी काफी गंदगी देखी जा रही है, आपको ये दृश्य भी दिखाना चाहेंगे, काफी गंदगी यहाँ पे देखी जा रही है और यहाँ पे भी काफी ब्लॉकेज देखा जा रहा है, इस जगह पे भी काफी ब्लॉकेज देखा जा रहा है। और ये भी क्लियर करने की बात है, आज से कार्य आरंभ हुआ है और समस्या ये है दर्शकों, समस्या ये है कि लोग जो है जितना भी कचरा है, जितना भी अनवांटेड जो भी सामान होता है, चाहे बोतल हो कोल्ड ड्रिंक्स का, चाहे अल्कोहल का, सब तरीके का जबड़ा प्लास्टिक सभी नाले में डाल देते हैं। और ये मुख्य समस्या है, जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि कचरा को नाले में नहीं डालना है, कचरा को जो सफाई कर्मी आते हैं उनके हाथों दे देना है, तब तक ये समस्या इसी तरह से बनी रहेगी। और आशा यही करते हैं कि सफाई अभियान जो शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं सुबह का समय है, काफी लोग अपने कार्य में के लिए जा रहे हैं आ रहे हैं, काफी सारे बच्चे स्कूल भी पहुंच रहे हैं, कुछ बच्चों का स्कूल का एग्जाम भी चल रहा होगा। और इस समय जो आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे, सफाई का कार्य चल रहा है, सफाई का कार्य, ड्रेनेज का अवस्था आप देख के खुद समझ सकते हैं, एक स्लैब के ऊपर दूसरा स्लैब और कचड़ों का भरमार, ये परिस्थिति है इस क्षेत्र का। और हालांकि आपको बता दें, आपको ये विजुअल दिखाना चाहेंगे, प्रशासन द्वारा ड्रेनेज ब्लॉकेज को खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जयगांव दो ग्राम पंचायत के पंचायत मेंबर के तरफ से ये कार्य आरंभ कर दिया गया है। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो कार्य देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं दीपक से। दीपक भाई थोड़ा आप इधर आ जाओ और थोड़ा साइड में आ जाओ, गाड़ी उड़ी भी जाते आते रहे, आपको भी दिक्कत ना हो। तो आज कार्य चल रहा है, कल काफी बुरा अवस्था देखने को मिला था, आज कार्य चल रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? पहले तो आपको धन्यवाद, आप भी पहले ये चैनल के माध्यम से आपने वीडियो करके दिखाए थे कि ये वाला समस्या चल रहा है। तो अभी प्रधान को बोलने के बाद में ये काम प्रधान ने शुरू करने के लिए हमको आदेश दिया है, इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि 100 दिन का जो काम बंद है, एक 1.5 साल से, ये वाला काम खोलने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करने के लिए बोलेंगे जो नेतागण हैं। अभी पार्टी में थोड़ा वो नहीं करके 100 दिन का काम खोलने से थोड़ा अच्छा है, और 100 दिन का काम के लिए ये सब जाम हो रहा है। और दीपक जी, समस्या ड्रेनेज का मेन तो कचरा नाले में डालने की वजह से है, तो लोग कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लोग तो अवश्य जिम्मेदार है, लेकिन अभी JDA द्वारा जो गाड़ी दिया गया है उसमें हर महीना 100 रुपया देने से ही वो घर से कचरा लेके जाती है, लेकिन पब्लिक भी वैसा ही है कि देता नहीं है, तो ये सब ड्रेन में ही फेंकता है, तो ये जमते जमते तो एक दिन बड़ा होगा। और समस्या जो है, बारिश का दिन आ रहा है, लोग सोचते हैं कि बारिश के दिन में नाला बहता रहेगा तो उसमें डाल देंगे तो बह के चला जाएगा, ऐसे ही सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके किसी का घर, किसी का दुकान, आजकल तो स्कूल कैंपस में भी पहुंच रहा है, मंदिर तक पहुंच रहा है, तो काफी दुखद है। कहीं कहीं तो टर्निंग वगैरह में तो फंस ही जाएगा ना, तो वो लोग सोच रहे हैं कि बारिश में चला जाएगा, लेकिन जाता तो नहीं है, कहीं ना कहीं फंसना ही है जबरा। हम सबसे अनुरोध यही करना चाहते हैं कि जबरा भी जो है ये आप लोग डस्टबिन में फेंके, और डस्टबिन साथ में जो JDA गाड़ी आता है
गाड़ी में दे, इससे हम लोगों का समस्या हल हो सकता है। धन्यवाद दीपक जी बात करने के लिए। और आपको दिखा देना चाहेंगे जाते जाते आप सभी को ये दृश्य दिखा देना चाहेंगे कि कार्य प्रगति में है, देर से आए दुरुस्त आए, और आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो ब्लॉकेज है क्लियर हो जाए। लेकिन जाते जाते एक अपील के साथ जाना चाहेंगे कि जयगांव का जनता जो है जागरूक हो, सफाई अपने घर अपने मोहल्ले को तो निश्चित रूप से सभी करते हैं, लेकिन कचरा को कृपया करके नाले में ना डालें, क्योंकि आपका नाले में डाला हुआ कचरा किसी और के घर, किसी और के दुकान और किसी और के वहां जाके होम डिलीवरी हो रहा है, और ये कतई आप नहीं चाहेंगे। और हो सकता है किसी दिन किसी और का कचरा आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाए नाले के द्वारा, तब आप कहिएगा कि प्रशासन क्या कह रही है। इसीलिए अपील यही है कि जनता जागरूक हो, कचरा को नाले में ना डाले, सफाई कर्मियों के हाथ सौंपे। 100 रुपया खर्चा हो तो हो, लेकिन सफाई जयगांव को साफ सुथरा रखने का जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ जयगांव वासियों का भी है, आप सभी का है। इसी अपील के साथ हम लोग अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। जयगांव मिरर्स के साथ जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स। जय हिंद।